ऐसे पुराने वर्ड्स एक नए अंदाज में, बिग हेडेड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब घमंडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यू आर बिग हेडेड, यार घमंडी आदमी हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, ये होता है बिग हेडेड। नेक्स्ट वाला है देखो, ये होता है हॉट हेडेड। हॉट हेडेड क्या बात है, कितना प्यारा वर्ड है हॉट हेडेड। माई गर्म हो गया हमारा दिमाग। हॉट हेडेड का मतलब क्या होता है? हॉट हेडेड मतलब होता है जो जल्दी से गुस्सा आ जाए। भाई किसी को दे, भैया कैसे हो, क्या पूछ रहे हो, कैसे कैसे, भाई जो तुरंत तुरंत गुस्सा कर देना उसको बोलते हैं हॉट हेडेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, अर्ली बर्ड। क्या आपको पता है अर्ली बर्ड का मतलब होता है? भाई साहब जो सुबह 4 बजे उठ के बर्तन खड़बड़ाए, बर्तन की बात नहीं, जो सुबह एकदम सुबह सुबह उठ जाए, अर्ली मॉर्निंग उठे, उसको बोलते हैं अर्ली बर्ड। सो आर यू अर्ली बर्ड? इफ यू आर, सो दैट्स ग्रेट फॉर यू, दैट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू रॉक ऑन फॉर द फ्यूचर। उल्लू आपने देखा है भाई, नाइट आउल इज अ पर्सन हु डज नॉट स्लीप इन द नाइट, जो लेट नाइट, दैट्स कॉल्ड नाइट आउल। मतलब ऐसा व्यक्ति ना जो रात को जागता हो, भाई रात को सोता होता नहीं, बस मोबाइल चलाता रहता है, देखता रहता है, इधर उधर जागता रहता है, उसको बोलते हैं नाइट आउल। ठीक है, क्या आप हो नाइट आउल? इफ यू आर, सो इट्स बैड फॉर यू बिकॉज इट्स गिव्स यू समटाइम्स बैड थिंक। ट्रबल मेकर, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ट्रबल मेकर। ये क्या होता है? आपके देखो दोस्त में, फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है ना जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को कॉज कर ही देता है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर ही देता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं ट्रबल मेकर। इज देयर एनीवन इन योर लाइफ, इन योर फैमिली, एनीवन इन योर फ्रेंड सर्कल, सो दैट्स कॉल्ड ट्रबल मेकर। नेक्स्ट वन वी हैव काउच पोटैटो। मींस भाई आर यू शार्लटन? सो इफ यू आर लेजी सो यू कॉल काउच पोटैटो। इज योर फ्रेंड काउच पोटैटो? इफ ही इज, सो से ओह माय गॉड यू आर लेजी बॉय, इट मींस यू आर काउच पोटैटो। लेजी पर्सन को काउच पोटैटो। इट्स अमेजिंग वर्ड फॉर अस, दैट्स कॉल्ड एब्सेंट माइंडेड। क्या होता है देखो, एब्सेंट माइंडेड मतलब होता है भाई जैसे आपकी मम्मी ने कहा भैया जाओ 4 सामान लेकर आओ, 3 सामान लेकर एक तो भूल गए, भाई एब्सेंट माइंडेड कहते हैं। अपने अपने मोबाइल अभी रख के आए फिर तुरंत भूल गए, उसको बोलते हैं एब्सेंट माइंडेड। भाई भूल जाए कोई भी चीज़ नॉर्मली, उसको क्या बोलते हैं? एब्सेंट माइंडेड। एंड होप दैट आपको ये सारे वर्ड तो समझ में आएंगे। इफ यू जस्ट गॉट एनीथिंग न्यू फ्रॉम यू, प्लीज क्लिक द बेल आइकन, प्लीज यू नो पंच द बेल आइकन, एंड प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।